हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा ऐड कैसे करें, ऐड कैसे करें। तो मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे 1 + 1। तो आपको सबसे पहले एक उंगली निकालना, उसके बाद फिर और एक उंगली, कितना हुआ? अब इसको काउंट करता हूँ, 1 2। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 2। ऐसे नहीं तो यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ कीजिए और इसको जैसे काउंटिंग पढ़ते हैं वैसे पढ़िए, 1 और 2। तो यहाँ पे 2। अब मान लीजिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हुआ 1 + 2। तो आपको यहाँ पे वन वन लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे फिर 2 है, तो फिर यहाँ पे 1 और 2। अब इसको ये तीन लाइन को काउंट कर लेंगे, 1 2 3, ये काउंट हुआ, आपका आ गया 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका आया 3, 2 + 2। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले 2, तो यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ किए, फिर यहाँ 2 लिखा हुआ, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ किए और सभी लाइन को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4। बहुत ही आसानी से कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा इससे टफ होगा। यहाँ पे 2 + 7, सबसे पहले आप 2 है तो 2 लाइन ड्रॉ कीजिए, इसके बाद 7, तो यहाँ पे 7 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। आप सभी लाइन को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आप 10 + 2, इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम 10 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे 2 1 और 2। अब ऐसे काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे टोटल लाइन 12। और इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको, ऐसे अगर यही क्वेश्चन को इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले अगर 0 है, 0 + 2, तो 0 के लिए एक भी पाई खींचना नहीं है, और 2 है तो 2 लाइन खींचेंगे, तो 0 + 2 इक्वल यहाँ पे कितना हुआ, 1 2, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे जस्ट जैसे का वैसे ही लिख देंगे, तो यहाँ पे आ गया 12। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दे दिया हो रहेगा 1 2 2 3, तो आपको पहले 2 लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है, 1 2, यहाँ पे फिर 3 है, इसके नीचे 3 है, तो 3 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3, 2 और 3 लाइन ड्रॉ कर दें, इसके बाद सभी लाइन को काउंट कर लें, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपका हो जाएगा 5। और यहाँ पे अब 1, तो यहाँ पे नीचे 1 लाइन खींच पहले ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2, तो टोटल लाइन को काउंट कर लेंगे, 1 2 3, यहाँ पे आ गया आपका 3। ऐसे बहुत आसानी से ऐड आप कर सकते हैं, और इसमें ऐड का बहुत सारे टफ और इससे भी टफ होते हैं, जैसे हो गया आपका 15 + 12। तो इसको आप कैसे ऐड करेंगे? तो इसके ऐड करने की कुछ रूल होते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 1 2, तो आपको सबसे पहले 1 को 1 में ऐड करना है और 2 को 2 में ऐड करना है।
ठीक है, तो हमको 5 मेरा ऐड हो रहा है 2 में, तो यहाँ पे हम सबसे पहले 5 1 2 3 4 5 और ये 2 1 और 2 लाइन ड्रॉ कर लिए और सभी लाइन को काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे अब जो आपका 7 आया ये थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखेंगे, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 1 और 1 टोटल हुआ 2, तो यहाँ पे आ गया आपका 27। ऐसे भी आप ऐड कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर आपका 7 आ गया। अब ऐड आपको जैसे यहाँ पे 75 प्लस 15 आपको यहाँ पे ऐड करना है, तो सबसे पहले हम 1 2 1 2 यहाँ पे सब भी दो दो डिजिट दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप 5 1 और 2, ये पहला और ये दूसरा और ये पहला और ये दूसरा, तो ये फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, तो ये सेकंड को सेकंड से ऐड करेंगे और फर्स्ट को हम फर्स्ट से ऐड करेंगे, तो सेकंड को सेकंड से 5 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 लाइन ड्रॉ कर लिए और 5 5 लाइन को आप काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल लाइन हुआ हमारा 10, तो 10 का यहाँ पे आप थोड़ा सा स्पेस दे के 0 और एक हुआ आपका कैरी 1। तो अब ये फर्स्ट और ये फर्स्ट, यहाँ पे पहले ही आपका एक 1 कैरी है, यहाँ पे ए 1 1 यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, यहाँ पे फिर 7 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका यहाँ पे 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे टोटल आ गया आपका 9, टोटल हुआ आपका 90। ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे 1 कैरी कैसे आया, चलिए आपको हम 1 कैरी बताते हैं। यहाँ पे आप पे क्वेश्चन नंबर 8, मेरा क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे हम लिए 12, यहाँ पे ले क्वेश्चन है 12 और यहाँ पे ऐड करना है 28, 2 और 8 ऐड कीजिए, तो फर्स्ट 2 लाइन फिर 8 लाइन 1 2 3 4 5 7 8, टोटल लाइन काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 7 8 9 10, यहाँ पे 10 आया, तो 10 का ये 0 है, यहाँ पे 0 लिखेंगे और 1 जो है आपका ये कैरी हो जाएगा जो यहाँ पे ऊपर में हम लिखेंगे। अब हमको ये 3 आपको दिख रहा है 1 1 और 2 को ऐड करना है, तो फर्स्ट 1 फिर 1 फिर 2, तो 1 2 टोटल काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे आपका हो गया 40। ऐसे ये आप कैरी इसको बोलते हैं, ये इस टाइप के ऐड को कैरी ऐड बोलते हैं जिसमें कैरी आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।